खबर लखनऊ से है, जहां पर पशुधन घोटाले में जयप्रकाश निषाद से पूछताछ हुई है। राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद से पुलिस ने ये पूछताछ की, जहां टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले में पूछताछ की गई। तो आटा सप्लाई का टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। इंदौर के मंजीत से टेंडर दिलाने के नाम पर ये ठगी, जहां पुलिस ठगी करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में 2 आईपीएस अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। वहीं आईपीएस डीसी दुबे और अरविंद सेन को निलंबित किया जा चुका है। तो खबर लखनऊ से, पशुधन घोटाले मामले में जयप्रकाश निषाद जिनसे पूछताछ की गई, राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद दरअसल टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी में को लेकर ये पूछताछ की गई है। तो इंदौर के मंजीत से टेंडर दिलाने के नाम पर ये ठगी हुई थी। और गगन मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो गगन, जिस तरह से ये घोटाला सामने आया, ये टेंडर प्रक्रिया जिस तरह से सवालों के घेरे में है, अब राज्य मंत्री से यहाँ पर पूछताछ की गई जयप्रकाश निषाद से, क्या पूछताछ में कुछ चीजें हासिल हो पाई हैं, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए ऋतु, वैसे तो शुरुआती अगर जांच हुई थी तो उसमें सीधे तौर पर मंत्री जयप्रकाश निषाद की कोई भूमिका नहीं दिखी थी, चूंकि जयप्रकाश निषाद के निजी सचिव धीरज कुमार देव की एक सक्रिय भूमिका इसमें थी। आशीष राय जो पूरे इस फर्जी टेंडर दिलाने के नाम पर जो ठगी हुई थी उसका मास्टरमाइंड था, उसने सचिवालय के अंदर ही जो मंजीत इंदौर का जो पीड़ित था उसको सचिवालय के अंदर जाकर धीरज देव से मिलाया था। धीरज देव के ही कमरे में, यानी कि जो मंत्री हैं, विभागीय मंत्री थे, उनके कमरे में ही पूरी डील होती थी। तो शुरुआती जाँच में भले ही जयप्रकाश निषाद का नाम ना आया हो, लेकिन क्योंकि सरकार के नाक के नीचे सचिवालय में एक अलग से विभाग चल रहा था, फर्जी टेंडर दिलाने के नाम पर एक विभाग चल रहा था, तो उसमें मंत्री की क्या भूमिका थी, मंत्री को पता था कि नहीं पता था कि उनका निधि सचिव क्या कर रहा है, लोगों से ठगी कर रहा है, उन तमाम चीज़ों को लेकर कल पुलिस जयप्रकाश निषाद के घर गई थी और उनसे पूछताछ की थी। जयप्रकाश निषाद ने भी साफ तौर पर यह कहा कि वो धीरज कुमार देव के, यानी कि अपने निधि सचिव के कमरे में बिरले ही जाते थे, ज़्यादातर उनके कमरे में नहीं जाते थे। निजी सचिव अपने कमरे में बैठ के क्या करता था तो वो उन्हें नहीं मालूम है, और क्योंकि राज्यप्रकाश जयप्रकाश निषाद का शुरुआती में कोई ऐसा संलिप्तता नहीं नजर आई थी, तो जो कुछ सवाल आ रहे हैं कि आखिरकार धीरज देव पूछताछ दोबारा हो और जो शिकंजा है वो और भी कसता चला जाता है।